गुड मॉर्निंग. सुबह नहीं हुई ना अभी? अभी हो गई, मैं चाय पिला दी. थैंक यू. एक ले ली टिकट. कितने का पड़ा? पकाओ पकाओ गाना लगाती है, इतना पकाओ पकाओ गाना लगाती है, क्या ही बताएं. पानी की बोतल तो लिया ही लिया उन्होंने. व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा. मेरा नाम अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में. तो एज यू नो, XBHP के राइड के बाद में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मुझे पता है, उनको सारी स्टोरियां पता होंगी कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ. नहीं कर रहे तो यार स्क्रीन पर लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, जाके फटाफट से फॉलो कर लो. बाय द वे, पीछे ट्रक्स वगैरह हैं तो उनकी नॉइज को इग्नोर करना. देखो फिलहाल का सीन ये है कि अभी हम हैं ऑन द रूट बनारस से मैहर देवी. तो आज हम मैहर देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम हो सके अगर टाइम मिला तो आगे जबलपुर के लिए निकल जाएंगे, नहीं मिला तो जहां भी हो सके सनसेट के बाद हम रेस्ट कर लेंगे और कल निकलेंगे हम वापस एक नए डेस्टिनेशन पे. तो वो नया डेस्टिनेशन क्या होने वाला है आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा. तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, समवेयर अराउंड हम लोग मिर्जापुर से 30-40 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और मैहर देवी पास में ही है, मतलब हमारे लिए तो पास में ही है. बाय द वे सोनेट हमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है. इस पूरे रोड ट्रिप पे ना मैंने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर चला दी है और मैं इस कार को जितना चलाते जा रहा हूँ ना उतना इस पे कॉन्फिडेंस आते जा रहा है. बहुत सारी ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे मुझे एक बार को लगा था कि सोनेट उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन भाई वो हर एक चीज जो भी ट्रबल आया बहुत ही स्मूथली निकल गई वहाँ से. गुड मॉर्निंग. सुबह नहीं हुई ना अभी? अभी हो गई, मैं चाय पिला दी. थैंक यू. एक कप और पीते हैं अभी. चलो. एक कप से मन नहीं भरा. ये लो गर्मा गर्म चाय. इन दोनों से चेयर्स होगा. अच्छा तुम क्या लोगे? हाँ कुछ भी नहीं, कच्चा आम खाएगा ये. किस चीज की कमी है? रोड ट्रिप पे मजा नहीं आ रहा है? मजा तो आ रहा है पर एक चीज की कमी मुझे लग रही है. किस चीज की? नानू की. नानू नहीं है इसके रोड ट्रिप पे? नहीं, नानू रहते तो इसको मजा आता, ये नानू के साथ पीछे मस्ती करते रहता है, बस उन्हीं को मिस कर रहा है. नहीं क्या कह रही हो? ये चोर को देखो, चोर को, चूहे को. चूहे ने टॉफी निकाल लिया है, चॉकलेट निकाल लिया है. का यही काम है, बस गाड़ी के अंदर बैठना है, दिन भर रात भर चॉकलेट खाते रहना है जब भी गाड़ी चलते रहे. नहीं देखो 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 चूहे की शक्ल देखो. क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, बटरिंग बटरिंग कर रहा है, बटरिंग कर रहा है लड़का. रोड ट्रिप पे हमारा ब्लॉग शूट करने का कोई मूड नहीं था. नहीं बिल्कुल, लेकिन अचानक से हमारा प्लान बना कि देखो हमेशा ये रूट हम कवर करते हैं तो इस रूट में विंध्याचल पड़ता है, मैहर देवी पड़ता है, फिर तुम्हारा उज्जैन भी पड़ता है. तो हमने कहा कि चलो इस बार हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, मेमोरी बनाते हैं, मैहर देवी वगैरह घूमते हैं. तो अभी आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे होगे तो काफ़ी दिनों से ना मैं जब से रोड ट्रिप यूनाइटेड से मैं वापस आया था तो मुझे एक नेटएक्स पे काम आया था. मैं इंदौर में था 5-6 दिन, इंदौर से निकला तो वापस मैं आया. रोड ट्रिप पे निकल गए हम लोग गाँव पे, बनारस आए थे. बनारस में हमारी छोटी बहन का शादी था तो वो सारी जो भी कह लो इंगेजमेंट वगैरह संगीत सेरेमनी जो भी था वो हम लोगों ने अटेंड किया, फिनिश हुआ वो काम. हम गांव गए, गांव से फिर हम अपने औरंगाबाद गए थे बिहार. उसके बाद आके हम बनारस में मेरे एक दोस्त की शादी थी वो अटेंड नहीं कर पाया था तो उसके रिसेप्शन पे गए थे. और ये सारी चीज़ ना मैं व्लॉग में शूट नहीं करना चाहता था तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया उस टाइम पे. हाँ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह आ रही. तो देखो अभी मैंने क्या किया कि सोचा कि चलो अब जब जा ही रहे हैं तो मैहर देवी का दर्शन कर लेते हैं. तो आज मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग शूटिंग कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम रोड ट्रिप पे कैसे मस्ती करते हुए जाते हैं. वैसे मस्ती कोई करता नहीं है, ये लड़की पीछे से तकिया उठाती है सो जाती है और ये पीछे अपना कंबल तान के सो जाता है. मैं सिंपली गाना लगाता हूँ सोनेट में और मस्त चलाते हुए जाता हूँ. बहुत मजा आता है इसको ड्राइव करके, बहुत मजा आता है मुझे. बस में बैठ के और विंडो से डायरेक्ट सनलाइट और कोई थूके तो मुंह पे, कोई पानी पिए तो पानी उड़ के मुंह पे,
ओह माय गॉड, कोई का कुछ काए तो रैपर मुझसे वैसा होता तो क्या होता नहीं भाई, लेकिन लड़के को आ रही है सब सनलाइट आ रही है ना मेरे चेहरे पे। हां एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि उसको भी चश्मा चाहिए ना बेटा। सही बोले ना मिट्टू, हम बताएं सन किधर से नहीं लाइट आएगी, उस साइड अगर टर्न करो वैसे लाइट आएगी। हम एक रेस्टोरेंट रुके हुए हैं और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके जाएंगे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सुबह 5 बजे की जगह है और 6 बजे से मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अभी 12:15 बज रहे हैं। भूख जोरों की लगी हुई थी तो मैंने कहा पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। वैसे यश अपना फेवरेट क्या कर रहा है? चिल्ली पनीर। जहाँ वेज होता है वहाँ क्या कहता है? चिल्ली पनीर। नहीं तो इसका फेवरेट चिली चिकन है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी तकिया हटा लो, तकिया की कोई जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद तो उतरना ही है, यहाँ भी सोते हुए जाओगे। और ये हाथ में क्या लिया है तुमने? ये जिस रेस्टोरेंट में जाता है ये नैपकिन में देखो इतना सारा मिश्री भर लेता है, शैतान लड़का। देखो अभी क्या ना कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने देर रुके थे? 1 घंटा से भी ज्यादा रुके हैं, 1 घंटा तो हम लोग खाए पिए हैं। और अभी हम यहाँ से रेडी वगैरह होके मेहर देवी के दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ टाइम पता चल गया था कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक द्वार बंद रहते हैं भोग लगाने के लिए। तो अब हमने उस हिसाब से अपना प्लान चेंज किया और वापस से हम लोग सारे लोग यहाँ रेस्टोरेंट में फ्रेश होके ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी हम पहुंच चुके हैं मेहर। एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मेहर आप आइएगा तो आप लोगों में काफी लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यहाँ पार्क लगाओ यहाँ पार्क लगाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ की अपनी खुद की कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, तो 60 रुपये का आई थिंक पार्किंग चार्ज लगेगा, आप वहाँ पैसे पेमेंट करें और जो पार्किंग लोकेशन है जो यहाँ का मेन पार्किंग है वहाँ पार्क करें। काफ़ी लोग आपको दुकान वाले जो होते हैं ना वो कहेंगे आप यहाँ पार्क कर दो वहाँ लगा दो, आपको उस चीज़ में नहीं फंसना है। और अभी तक काफ़ी लोग मेरे को रोक चुके हैं, हमने अपनी कार यहाँ पार्क कर रखी है और अभी जा रहे हैं प्रसाद वगैरह लेने। आप यहाँ पे आके कार पार्क कर सकते हो, देखो काफ़ी सारा स्पेस दिया हुआ है, आपको कहीं और खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया है, हमने अपने स्लीपर्स वगैरह नहीं निकाले थे, शूज़ वगैरह नहीं निकाले थे, वो भी अभी रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से अब हम रोपवे पकड़ेंगे, देखते हैं रोपवे का क्या चार्ज पड़ता है। वैसे मैंने रश्मि को दे रखा है पैसे वगैरह, वो अभी टिकट ले रही है, मैं जूते चप्पल रखने गया हुआ था वापस ले ली टिकट। कितने का पड़ा? 306 और 74 बच्चों का। 74 बच्चों का। ओके। मेरा वाला बैंड कहाँ गया? तुम बैंड कब लगाओगी? हाँ ऊपर से लौट के आ जाओगी तब लगाओगी बैंड? ये देखो ये लड़का लगा के घूम रहा है। वैसे हमारा प्लान तो था कि हम लोग पैदल जाएं, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल कम था, ऑलमोस्ट 1006 सीढ़ियाँ हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, बट अभी हम आगे तुम्हारी रोप वे जाओ बैठो। हमारा ये पर्सनल हो गया नहीं? सही है। ये अब चलेगी, चला जाए यू। मजा आ रहा है, हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। जय माता दी। लाइनें लगी हुई हैं, ये रोपवे वाली लाइनें जो इस साइड से आती है और ये पीछे से शायद ये लोग सारे लोग पैदल आ रहे हैं। आप लोग पैदल आ रहे हैं ना, तो ये लोग सारे लोग सीढ़ियों से आ रहे हैं। भाई सैल्यूट है। फाइनली हमारा दर्शन हो गया और बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा वेट करना पड़ा हम लोगों को, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था हम लोग लाइन में खड़े थे, बट यश ने इंजॉय किया। नहीं बेटा अच्छा लगा ना? कैसी लग रही थी दुर्गा माँ?
बहुत अच्छी दिख रही थी ना, सुंदर सी। हाँ। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ फोटोज वगैरह लेंगे, वीडियोज वगैरह लेंगे, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे। और हम आज स्टे करने वाले हैं जबलपुर में। कुछ चीजें हैं जिसको आपको नोटिस करना है यहाँ पे आने से पहले। देखो, जो नारियल वगैरह है वो आपको नीचे फोड़ना पड़ेगा, यहाँ फोड़ने को नहीं होगा। 2 बजे हम लोग चढ़े थे ऊपर, आज 2 बजे थे, और अभी टाइम क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से जबलपुर की तरफ निकलेंगे। अच्छा लगा यहाँ आके, अभी थोड़ा देर और रुकने का यहाँ मन कर रहा था, बट वही है, हमारे पास टाइम की कमी है और हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे। अभी चीजें ज्यादा कवर करनी है। देखो, अभी का सीन ये है कि हमारा पेट पूजा भी हो गया है। बहुत ही अच्छा प्रसाद खाने को मिला यहाँ पे, हम तीनों ने प्रसाद ग्रहण किया। और ये जो सेवा संस्था है ना, बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको यहाँ पे रुकने वगैरह का सारा बंदोबस्त है, खाना वगैरह सब फ्री है। एड्रेस जो है ना स्क्रीन पे आ रहा होगा। आने जाने का भी व्यवस्था इन्होंने कर रखा है, सारा कुछ फ्री है। तो अगर आप माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं महर, तो आप मोस्ट वेलकम है इनकी तरफ से। ये आपको रहने का, खाने का और यहाँ माता रानी के दर्शन कराने के लिए आने तक का सारा साधन आपको मुफ्त में उपलब्ध करा। ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है यार, टाइम भी नहीं दिख रहा है। एंड्रॉइड ऑटो लगा रहा था ना, वो छोटा सा टाइम दिखाता है। 4:25 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं जबलपुर के लिए। अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करके, मेरा तो पहली बार था, यश का भी पहली बार था। हम दोनों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। नहीं, मैंने तो एंजॉय ही नहीं किया। ये एंजॉय नहीं की, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी इसको। क्योंकि ये दोनों क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय क्यों नहीं कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग को 7:30-8 बज जाएगा कहाँ जबलपुर पहुँचने में। एक बार मैं मम्मा को लोरी सह लेता हूँ। मम्मा जो गाना लगाती है वो लोरी होती है ना, पर एक के अलावा सारी लोरी होती है। नींद आने लगती है। नहीं, मम्मा को छोड़ के सबको ही सोने लगता है। सबको ही क्या, तीन ही लोग हैं ही। दो लोग सो रहे होते हो। अच्छा, हम सो जाए। चलती गाड़ी में सो जाए, बताओ। नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हम लोग बाय द वे पहुंच चुके हैं कटनी। और ये देखो, इसको आज बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि आज बहुत अच्छा खाना हुआ है दुर्गा माँ के मंदिर में। अच्छा, और क्या पहने हो? चश्मा। बहुत देर से जिद कर रहा था, रोने लगा था चश्मा पहनने के लिए। अरे यार, लग रहा है हमारा रोड खुलने वाला है। ये है कि हम गए थे थक, और ऑलमोस्ट यहाँ से जबलपुर ना 40 किलोमीटर और बचा है, तो हम मे भी 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:40 आसपास हो रहा है। यश गाड़ी के अंदर सो रहा है, और अभी हम क्या करेंगे ना, चाय वगैरह पियेंगे यहाँ पे इस होटल पे। लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे बनारस की तरफ, तो यहीं रुके थे और यहीं से पराठा वगैरह खा के निकले थे। और अभी हम यहाँ चाय पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। वो जो थोड़ी सी सुस्ती आ रही थी ना, वो थोड़ी सी कम हो जाए, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहाँ चाय के मजे ले रहे थे और हमें कुछ दोस्त मिल गए हमारे। इन्होंने पहचान लिया मेरे को, पहले तो नाम नहीं जानते थे। मैं कह देखा है आपको बाद में नाम बताया तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वैसे अच्छा लगा यार मिलके। चीयर्स चीयर्स। चलो ऐसे ही मिलते रहा करो, अच्छा लगता है। हमें एक बहुत अच्छा होम स्टे मिल गया है। इसमें डबल बेड लगा हुआ है, सोफा वगैरह है। इधर अंदर जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे फ्रिज है, किचन भी है, और यहाँ नॉनवेज बनाना मना है। बाय द वे छोटा सा बाथरूम भी है, तो अच्छा है। मतलब बजट में मेरे को अच्छा मिल गया है। 1700 का पड़ा है मेरे को ये रूम एक दिन के लिए, और साथ ही डिस्काउंट मेरे को मिलने वाला है 250 रुपये के आसपास। तो अच्छी खासी डील मिल गई है मेरे को। नहीं, बढ़िया है ना। आज रात रुका जा नहीं यहीं पे? वो तो अभी से ही प्लान है। पार्किंग भी बहुत अच्छी मिल गई है। तो यहाँ पार्किंग की इशू नहीं हुई, कार हमारी पार्क हो गई, और साथ ही साथ हमें एक अच्छा सा स्टे भी मिल गया है। हम यहाँ पे आज रात में स्टे करेंगे, और कल सुबह कोशिश करेंगे कि 5 या 6 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे सीधे कहाँ, उज्जैन। यस, किसका दर्शन करने? महाकाल का दर्शन करने।